गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम हरलीन एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर विच इज़ इन द फ्लड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं सिर्फ सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर्स ही क्यों करा रही हूँ लाइन वाइज इट इज़ बिकॉज इसके चैप्टर्स में थोड़ी स्टोरी है थोड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और आप बोर नहीं होंगे हाउएवर एक चीज़ और जो आपने याद रखनी है सारे चैप्टर्स को समझ के रीड करके अच्छे से उनके जो क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल रहे हैं उनको कॉपी में नोट करके याद करना है और साथ के साथ ही जो आपको मैम uh, वर्कशीट्स uh, बना के देते हैं चैप्टर्स में से या किसी ग्रामर के टॉपिक में से उसको सिंसेअरली सॉल्व करने की कोशिश करो सो so दैट आपको खुद से भी पता लगे कि करना क्या है पेपर में ये ना हो कि सारा कुछ हम करा रहे हैं उसके बावजूद भी आप पेपर में कुछ नहीं करके आ रहे हो जस्ट बिकॉज़ आपने रट्टा ही मारना है राइट सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर विच इज़ इन द फ्लड बाय थकाजी शिवा शंकर संक्रा पिले एंड दी दाउेवर दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट कि एक विलेज के अंदर फ्लड्स आ जाते हैं तो so, फ्लड्स आने के बाद कौन कैसे वहाँ से कैसे अपनी जान बचा के भागता है कौन वहाँ बच जाता है क्या होता है ये उस स्टोरी के बारे में है सो वर हैवी रेन्स इन द विलेज द विलेज वॉज फ्लडेड चन्ना पराया जो इस स्टोरी uh, का एक मेन कैरेक्टर है ही लेफ़्ट द विलेज अलॉन्ग विद दिस फैमिली हावएर हिज डॉग वॉज लेफ्ट बिहाइंड नाउ वॉज द डॉग सेफ़ एंड वॉट हैपन टू हिम वी विल लुक एट इन दिस स्टोरी विलेज में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हुए थे चन्ना प्राया तो चला गया लेकिन उसका डॉग पीछे रह गया तो उस डॉग के साथ क्या हुआ द टेम्पल वॉज दी हाइएस्ट पॉइंट इन द विलेज बट इट वॉज नेक डीप इन वाटर 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 एवरीवेयर सो होता क्या है अब पुराने ज़माने में वी टॉकिंग अबाउट पुरानी यू uh, नो you know, तो लोगों के घर तो सिंगल सिंगल स्टोरी के होते थे तो टेंपल जो होता था वो हाईएस्ट होता था तो जब कभी फ्लड आता था तो लोग टेंपल की छतों पे चढ़ के या टेंपल के ऊपर चढ़ के uh, शरण लेते थे ताकि पानी से बचा जा सके लेकिन अब टेम्पल में भी नैक डीप वाटर आ गया था मतलब टेम्पल भी ऑलमोस्ट फ्लडेड था और लोग पानी मतलब बहुत ज़्यादा पानी था एंड द विलेजर्स हैड ऑल लेफ्ट फॉर ड्राई लैंड हर कोई वहाँ से छोड़ के किसी ना किसी सूखी जगह पे चला गया था वर सिक्सटी सेवन चिल्ड्रेन हडल्ड अप इन वन रूम इन द एटिक ऑफ द टेम्पल एटिक होता है सबसे ऊपर जो एक छोटा सा कमरा होता है ना जिसमें सारा फालतू सामान रख दिया जाता तो उस एटिक में सिक्सटी सेवन बच्चे जो थे देवर हडल्ड अप मतलब एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के बैठे थे

फॉर टू नाइट्स एंड अ डे दो रातें और एक दिन चन्ना पराया जो था ही ही हैड बिन ब्रेविंग द फ्लड अलोन had no boat. It was now three days since his landlord left. लेफ्ट तो चन्नापराया क्या था किसी के ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए वहाँ रहता था तीन दिनों से उसका लैंड लॉड तो चला गया था तो वो बेचारा चन्नापराया अकेला था अपनी फैमिली के साथ कोई बोट उसके पास नहीं थी चन्नापरायाड मेड अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन द हट विद कोकोनट हस् एंड पोल्स He stayed inside the hut for two days, hoping that the water would recede. How could he leave the place so soon? Uh, उसने किया गया था उसने हट के अंदर ही ना एक कोकोनट की हस्क मतलब कोकोनट के जो बाहर वो होता है ना वो बाल बाल से उनसे और पोल से मिलके एक रेस सा प्लेटफॉर्म बना लिया और उसके ऊपर ये लोग सब बैठे रहे हट के अंदर बेचारा दो दिन बैठा रहा ये होप करता हुआ कि पानी चला जाएगा रिसीड मतलब वापस आ, कम हो जाएगा और वो प्लॉट छोड़ के जा कैसे सकता था क्यों क्योंकि इन द प्लॉट देर वर अ फ्यू ट्रीज ऑफ बनाना एंड अ हे स्टैक एंड लीविंग द प्लेस वुड सर्टनली मीन लिविंग दैम एट मर्सी ऑफ थीव्स तो कहता हूँ प्लॉट के अंदर बनाना के ट्रीज थे हे स्टैक हे स्टैक क्या होता सूखी घास के स्टैक्स थे और प्लेस को छोड़ के जाने का मतलब था कि मर्सी ऑफ़ थीव्स मतलब चोरों के सहारे छोड़ जाना तो चोर तो चोरी करेंगे ही पर अब हुआ क्या था नाउ वाटर हैड रिजन अबव द प्लेटफॉर्म पानी बहुत ऊपर हो गया हुआ था इट हैड संक अ पार्ट ऑफ द हट टू हट भी ऑलमोस्ट डूब रही थी चन्ना कॉल्ड आउट फ्रॉम इनसाइड बट हु वाज देयर टू लिसन टू हिम वो आवाज़ें मार रहा था बचाओ बचाओ पर कौन सुने हिज़ वुमन हिज वुमन मीन्स हिज वाइफ हु वॉज प्रेगनेंट फोर किड्स अ कैट एंड अ डॉग वर द ओनली वंस लेफ्ट देयर तो उस घर में कौन कौन था चन्ना पर आया उसकी वाइफ जो प्रेगनेंट थी चार उसके बच्चे एक कुत्ता और एक बिल्ली थे जो उस घर में रह गए थे एंड ही न्यू हिज एंड देयर एंड वाज नियर एज इट वुड नॉट टेक लॉन्गर देन अ फ्यू आवर्स फॉर द होल हट टू बी इन वाटर इट हैड बीन रेनिंग हैविली एंड कॉन्टिन्यूसली फॉर थ्री डेज सो उसको पता था कि अब उसका और उसकी पूरी फैमिली का अंत जो है वो नज़दीक है क्यों क्योंकि बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी और बस कुछ ही घंटों में पूरी हट ने डूब जाना है चन्ना केम आउट ऑफ दी हट बाई ब्रेकिंग ओपन वन रो ऑफ द थैच ट्रूफ एंड लुकड अराउंड वो जो रूफ के ऊपर थैच लगे होते हैं एक एक रो हटा के उसमें से बाहर आके देखा एट सम डिस्टेंस देर वॉज अ कैटामरान कैटामरन क्या होता है एक बोट टाइप होती है जिसमें यू नो पतली लंबी सी सो चन्ना क्राइड अलाउड टू दी बोटमैन लकी दे हर्ड हिम एंड केम टू हेल्प ही क्विकली पुल्ड आउट इज वुमन एंड किड्स एज वेल एज दी कैट एंड द डॉग थ्रू दी क्रैक ऑफ दी तो हुआ क्या उसने आवाज़ मारी लकी किस्मत से उन्होंने भी सुन ली आ गए उसको हेल्प करने तो फटाफट अपनी पूरी फैमिली को बाहर निकाला अब किड्स कैटामरन पे चढ़ रहे थे चन्ना अचाप पूई चन्ना ने सुना किसी की आवाज़ तो उसने देखा इधर आओ इधर आओ बेसिकली कोई और बंदा था कौन था इट वॉज मदियथरा कुप्पा कॉलिंग फ्राम हिस् डूफॉप एक उसका पड़ोसी था तो हुआ क्या अपनी फैमिली को फटाफट चढ़ा के वो लोग उसकी तरफ चल पड़े लेकिन किसी ने ये देखा ही नहीं कि बेचारा डॉग जो था वो हर तक की एक कॉर्नर में इधर उधर सूंघ रहा था तो वो चला गया द कैटाम स्टार्टेड मूविंग एंड नाउ इट वॉज मिड वाटर अगेन मतलब पानी के बीचों बीच थी इतने में ही हैवी रेन स्टार्टिड अगेन एंड बाय देन हिज मास्टर हिज मास्टर मीन्स उस डॉग का मास्टर चन्ना पर आया हैड रीच अम्बाला पूजा एट नाइट वो कहीं और पहुँच गया था अब घर के पास एक बड़ा सा क्रोकोडाइल आया ह्यूज क्रोकोडाइल केम नियर द हाउस द डॉग लोअर्ड हिज टेल इन फियर एंड स्टार्टड बाकिंग जब कुत्ते डर जाते हैं तो अपनी पूंछ को नीचे कर लेते हैं और भौंकने लगते हैं तो क्रोकोडाइल ने पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया चला गया अब बेचारा वो कुत्ता एक तो अकेला था दूसरा द डॉग वॉज हंगरी दट हंगरी डॉग हाउल्ड फ्रॉम द रूफ टॉप लुकिंग इन टू द डार्क एंड क्लाउडी स्काई हिज क्राइज रीच फार ऑफ प्लेसिज एंड दोज हुर स्टिल गार्डिंग देयर हाउस मस्ट हैव सेड अ डॉग इज़ लेफ्ट अलोन ऑन दग स्टॉप तो हुआ क्या बेचारा हंगरी डॉग इतना हाउल कर रहा था चिल्ला रहा था दूर दूर तक उसकी आवाज़ें जा रही थी और जो जो लोग अभी भी अपने घरों में बैठे अपने घर को गार्ड कर रहे थे वो वो यही बोल रहे होंगे बेचारा एक कुत्ता कोई ना कोई रह गया द डॉग क्राइड आउट कॉन्टिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम बेचारा कभी कितनी देर रोता रहा रोता रहा रोता रहा फिर उसके बाद वो बेचारा इतना थक गया कि उससे रोया भी नहीं जा रहा फ्रॉम सम हाउस इन द नॉर्थ नॉर्थ की तरफ से किसी घर में से मैन वॉज चांटिंग द रामायण तो हम क्या करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम पाठ कर करते हैं तो ये जो मैन था वो रामायण का पाठ कर रहा था सो फॉर सम टाइम द डॉग टर्न टुवर्ड्स द साउंड एज इफ ही वॉज लिसनिंग टू द चांट अगेन ही स्टार्टेड क्राइम तो कुछ देर तो बेचारा वो कुत्ता ध्यान से सुनता रहा जैसे पाठ सुन रहा हो लेकिन फिर से उसने रोना शुरू कर दिया और फिर नथिंग कुड बी हर्ड एक्सेप्ट द रो ऑफ द विंड एंड साउंड ऑफ़ द वेव्स क्योंकि बहुत तेज़ बारिश बहुत तेज़ हवाएं थी नाउ इट वॉज अर्ली मॉर्निंग द डॉग स्टार्टड ग्रोनिंग सुबह उठते ही उस कुत्ते ने कराना शुरू कर दिया फ़्रॉग स्टार्टड लुकिंग एट हमेज तो अब वो पानी था तो फ्रॉग्स भी आ रहे हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये क्यों करा रहा है नो फायर बर्न टनी वेयर कहीं कोई आग नहीं थी उसने इधर उधर थैच रूस पर देखा उसको यही था कि कहीं से कोई आग जल रही हो और कोई उसको देख के बचा ले। लेकिन कहीं कोई आग नहीं थी सारे लोग चले गए थे फ्लीज बिठेम वो जो मच, मच्छर मक्खियाँ वगैरह उसको कीड़े काटने लगे और वो उनको अपने पॉज के साथ हटा हटा के मारता रहा द सन शोन फॉर सम टाइम ही डोज्ड ऑफ इन द सन लाइट ही जंप्ट एंड बाग्ड वेन ही सॉ द शेडो ऑफ अ बनाना लीफ ऑन द रूफ टॉप देन दी क्लाउड्स अपीय तो कुछ देर के लिए सूरज निकला वो अपना सो गया उस सूरज की उसमें तो थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर एक शेडो सी गिरी बनाना लीफ की उसको लगा शायद कोई आया तो वो उठ के भोंकने लगा इतने में क्लाउड्स आ गए फिर से अंधेरा हो गया द विंड स्टर्ड द वाटर फिर से हवाएं तेज चलने लगी पानी हिलने लग गया द कार्कसिज ऑफ एनिमल्स फ्लोटेड अराउंड इन द वेव्स द डॉग लुकड एट दैम लॉन्गिंगली कारकस होता है डेड बॉडीज़ तो जो एनिमल्स मर चुके थे उनकी डेड बॉडीज़ जो थी वो उन वेव्स के अंदर पानी के अंदर फ्लोट करने लगी और कुत्ता जो था उनके ऊपर बड़ी लॉन्गिंगली देख रहा था कि काश मुझे कुछ खाने को ही शायद मिल जाए अ स्मॉल बूट बोट वॉज मूविंग फास्ट अ लिटिल अवे फ्राम दाउस द डॉग सॉ इट एंड स्टूड अप वैगिंग हिस्टेल ही वॉज टिल इट डिसअपियर्ड इट स्टार्टिड ड्रिजलिंग अगेन द डॉग स्टूड ऑन इज हाइंड लेग्स ही लुक हेल्पलेस तो एक बोट थी जो थोड़ी घर से थोड़ी दूरी बड़ी तेज़ी से चल रही थी उसने देखा उसको लगा कि मेरे को बचा लेंगे उसने अपनी तेल वैग करनी शुरू कर दी फिर जब तक वो वो चली गई बोट उसने किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया इतने मैं फिर से बूंदा बांधी ड्रिजलिंग मीन्स बूंदा बाँधी होनी शुरू हो गई अब डॉग स्टूड ऑन इज हाइंड लेग्स पिछली टांगों के ऊपर खड़ा हो गया कि शायद अब कोई मेरे को देख ले एंड ही लोग हेल्पलेस बेचारे की बड़ी बुरी हालत थी द ड्रिजल स्टॉप्ड बारिश रुक गई अ स्मॉल बोट केम फ्रॉम द हाउस इन द नॉर्थ एंड स्टॉप्ड एट द कोकोनट ट्री द डॉग हिज टेल एंड मेड नॉइजेस द बोटमैन पिकड अप अ कोकोनट फ्रॉम द ट्री ब्रोक इट एंड इट्स जूस ही देन रोड ऑफ थोड़ी देर बाद एक बोट रुकी घर के थोड़ी दूर एक कोकोनट ट्री के पास उसने फिर अपनी टेल हिलानी शुरू कर दी और नॉइजेस की ताकि अब मेरे को कोई बचा ले पर बोटमैन ने कोई ध्यान नहीं दिया उसने कोकोनट ट्री से तोड़ा उसको उस तो, ट्री में से निकाला उसको तोड़ा जूस पिया और चला गया अ क्रॉस सिटिंग ऑन अ ट्री एट अ डिस्टेंस फ्लू डाउन ऑन द कार्कस ऑफ अ ह्यूज बुल ईवन एज द डॉग वॉज बाकिंग एट इट द क्रोस स्टार्टड ईटिंग द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल इट टुक नो नोटिस ऑफ द डॉग आफ्टर टाइम इट फ्लू अवे तो एक क्रो आया वो एक बड़ा सारा बुल सांड के जो डेड बॉडी के ऊपर बैठा और उसको खाने लगा कुत्ता उसको रहा कराया अब उसको ना उसकी भाषा समझ आ रही होगी कुत्ते ने कोई ध्यान नहीं दिया उसने अपने डेड एनिमल खाया जब उसका पेट भर गया वो वहाँ से चला गया द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वॉट हैपन्स टू द डॉग हम करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो